बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अच्छा, अगर लोग आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों के लिए मैं बताता चलूँ, मेरा नाम इमरान अलवी है, मैं एक रियल्टर हूँ, कल्टर कहते हैं जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, और मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है वो फार्मास्यूटिकल सेल्स और मार्केटिंग है। मेरे व्लॉग में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी प्रॉपर्टी के रिलेटेड, उसके अलावा मेडिकल के रिलेटेड, और उसके अलावा जनरल। मेरी कोशिश होगी कि व्लॉग्स में कुछ ना कुछ आपको लर्निंग के लिए ज़रूर मिलता जाए। तो ऐसे ये है कि आज की जो एक्टिविटी है, हमें एक जो डेवलपर है उन्होंने इनवाइट किया है, तो उसको मिलने के लिए मैं जा रहा हूँ अलॉन्ग विथ माई टीम। हम एसोसिएशन के मेम्बर्स और भी होंगे साथ मेरे, तो हम जा रहे हैं जी जैतून वैली के नाम से एक डेवलपर ने एक प्रोजेक्ट नया जो है वो ओपन किया है। हमारे उसके साथ जो मामला होंगे आज के डंडे में वो ये होगा कि उन्होंने बकायदा से हमारी एसोसिएशन को वहाँ पे इनवाइट करना है, तो वो उसके लिए एजेंडा सेट करना है। वो मेरे साथ वहाँ पे प्रोग्राम बनाएंगे, एजेंडा सेट करेंगे कितने लोगों को, फिर वो किस तरह से इन्वाइट करना है और उसका क्या मोटो होगा नेक्स्ट। तो इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव रहेगा आपके लिए। अगर आप साहिबाल से बिलोंग करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जैतून के हवाले से, और उसके अलावा आपको लोकेशन, रेट्स, ये चीज़ें जो है वो इस व्लॉग में या नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिल जाएगी, जब बकायदा वो हमें अगले व्लॉग के लिए वो सारा एजेंडा जैसे सेट करें। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आज ही के व्लॉग में ये सारी चीज़ें कवर करूँ, तो उनके साथ मीटिंग के दौरान। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह मिलते हैं आपको, चलते रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो एक छोटा सा थम्स अप आपने देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपका कुछ नहीं जाने वाला, फ्री है। तो आपको इंशाल्लाह साहिवाल के मुताबिक, इसके अलावा मैं और बताता चलूँ, मेरी कोशिश होगी मैं ब्यूटी ऑफ साहिवाल जो है वो अपने व्लॉग्स में या रील्स की सूरत में मैं शेयर करता हूँ। मेरा पेज जो है इमरान अलवी के नाम से ही है, आप जाके देख सकते हैं, तो वहाँ पे भी मैं इंटरेस्टिंग जो है रील्स बनाऊँगा। पहले कुछ प्रॉब्लम रहा है कि मेरे पास इतना टाइम मैनेज नहीं कर होता था, लेकिन अब मैंने ठान ली है कि मैंने आपके साथ इंटरेक्ट रखना है, तो चलना है, चलना है तो फिर चलना है। तो मिलते हैं आपको आगे नेक्स्ट मेरे साथ के लिए, ओके। अच्छा, सीन इस तरह से है कि ये मेरे दोस्त हैं सलीम साहब, तो ये एल्युमिनियम का काम करते हैं, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इनके नाम पे हैं, माशाल्लाह होलसेल का काम है। इनका मुकम्मल तारुफ जो है वो भी मैं करवाऊंगा, 7 स्टार एल्युमिनियम के नाम से है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको जल्द ही इनका पेज भी मिल जाएगा गूगल पे, आजकल में इंशाल्लाह वो सेट कर देंगे। तो हमने कुछ और दोस्तों को भी पिक करना है, क्योंकि टीम की शक्ल में हम जा रहे हैं उनके पास, तो चलते हैं। तो क्या ख्याल है सलीम भाई? हाँ जी बिल्कुल, लेट्स गो, लेट्स गो, ओके जी जी। हाँ जी, तो फरूक भाई को लेने आए हैं ये जी, माशाल्लाह फरूक साहब है, ठीक है। इनका सेटअप है जी, ये देखें तीन सेंसर, ठीक है। वो ये लोकेशन है आरफ रोड, ये मेन बुलेवर्ड आरफ रोड है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फरूक भाई को भी साथ लेके जाना है, देखें फ़ायदा ये होता है। देखें फरूक साहब को लास्ट वीकेंड पे वहाँ पे तारुफ करवाया था, तो वहाँ का जितना भी टाइल का बिजनेस है सैंडी के रिलेटेड है, तो वो फरूक भाई को मिल रहा है वहाँ पे। ये कि फरूक भाई का 3 आउटलेट है साहिबाल में, उनमें से एक ये है। तो मेरे चैनल का नाम लेके आप फरूक भाई के पास आएँ तो आपको इंशाल्लाह डिस्काउंट मिलेगा। मेरी जहाँ ज़रूरत होगी मैं साथ चलने के लिए भी तैयार हूँ। फरूक भाई कोई डिस्काउंट मिलेगा मेरे चैनल का नाम लेकर, कोई डिस्काउंट मिल जाएगा? मिलेगा जी डिस्काउंट इंशाल्लाह, आप आए। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम, देखें जी मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं सब कुछ कवर करने की। ये देखें जी, अगर बोरिंग के रिलेटेड कोई काम है तो वो भी यहाँ पर हो जाएगा, टीमें भी हैं, ठीक है जी। वैनिटी, वाश बेसन, ठीक है, मिरर की वैरायटी, और उसके अलावा देखें मैंने सैनिटरी सेट्स वगैरह भी यहाँ पे हैं, और आपको कवर करते हैं यहाँ से सेक्शन शुरू हो गया जी टाइल्स का, तो वो सी वैरायटी टाइल्स की भी अवेलेबल है, ठीक है। दोस्त हैं तो मैं ज़रूरी समझता हूँ, देखे देखने वालों का भी फ़ायदा हो जाए कि आप लोग हमारे भाई हैं, तो
किसी भी वजह से अगर आपका डिस्काउंट आपको मिल जाता है तो मुझे खुशी होगी। ये देखें, ये बड़ी ऑल राउंडर टाइप ये आउटलेट है, बहुत बड़ी। तो यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग आपको सैनिटरी के रिलेटेड जो आपके इश्यूज़ हैं, यानी कि आपकी पानी की ज़रूरियात, तो वो पूरी हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है जी, ये देखें जी पीछे वसी और रीज यहाँ पे स्टोरेज है। अलवी स्टेट चैनल का आप नाम लें और डिस्काउंट भी हासिल कर लें यहाँ से आके। फरूक भाई को यहाँ से पिक करना और पिक करके हमने लेके जाना है जी आगे। देखें माशाल्लाह कितना बड़ा ये आउटलेट है। ये आरएफ रोड लोकेशन है इसकी, डीन सन्स। का सीन भी बिल्कुल बदलने वाला है आइंदा आने वाले चंद दिनों में, क्योंकि यहाँ पे एक ओवरहेड ब्रिज वो आ गया है, तो आप देख सकते हैं उसकी क्रॉसिंग आ गई है, ये सुनहरी है। ठीक है जी, अब जो बाईपास का एरिया जो है ना, वो साहिवाल में ऐसे ही कंसीडर किया जाता है जैसे ये हमारा अंदरून सिटी का एरिया है। फंक्शन जो है वो यहाँ पर आके लोग करना पसंद करते हैं, बाहर वाले एरिया में लोग अपनी इंटरटेनमेंट के लिए भी बाहर आना पसंद करते हैं। इनसाइड जो है वो पार्किंग का इशू आ जाता है। ये देखें ये नया ओवरहेड ब्रिज, ये इंशाल्लाह आइंदा आने वाले चंद दिनों में या विदिन मंथ टाइम ये शुरू हो जाएगा। हाँ जी, ये फैसलाबाद की तरफ जाने के लिए ये सारा, ये बाहर से आएगी ट्रैफिक और इधर से ही ये फैसलाबाद चली जाएगी बाहर बाहर से। ये देखें जी काम डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर दिन रात काम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वो चाह रहे हैं पीएफसी आ गया। तो देखिए के एफ सी का आप देख लें, अंदाज़ा कर लें, यहाँ से हार्डली हमने कोई 200-300 मीटर दूर जाना है। इस लोकेशन पे हम जा रहे हैं, जिस साइड पे हम जा रहे हैं, तो आप फ्यूचर दे सकते हैं कि ये जगह का क्या फ्यूचर है। ये देखें जी, ये पहले आ गया जी शाहजहाँ, शाहजहाँ आ गया, इसके साथ आ गया जी उस्मानिया, और उस्मानिया के साथ फिर साइड है। ये देखें जी ये आ गया जी, देखें ये उस्मानिया, देखें मैंने कंटिन्यू रखी है वीडियो सिर्फ दिखाने के लिए, और ये देखें जी ये उस्मानिया के साथ ये आ गया जी ये जैतून वैली। ये देखें जी इसकी मेन बुलेवर्ड, यहाँ पे हम आ गए हैं। देखें तो काफ़ी कुशादा 100 फीट लग रहा है कि ये मतलब कि ना यहाँ पे है सीन। कोई बात नहीं, मैं चाचा को तारुफ करवाते हैं। हाँ जी चाचा जी, हाँ जी अच्छा जी चलें जी। ग्रीन डेयरी ये पुरानी यहाँ पे ग्रीन डेयरी हुआ करती थी किसी ज़माने में, तो अब ये वाली लोकेशन जो है वो विद इन टाउन में ये होने वाली है। सब 11 एकड़ इसका टोटल एरिया 11 एकड़ है, 11 एकड़। तो आगे फिर आगे मजीद फिर एक्सटेंशन जो है वो करते कराते जाएंगे। ठीक है जी, साइड पे आ गए हैं, बाकी फिर आपको मुलाकात करते हैं तो फिर आपको इसका अहवाल बताते हैं। अच्छा ये देखें जी, ये ऑफिस है, और ये सामने देखें इसके फ्रंट पे ये उस्मानिया ये होटल है। ठीक है, इसके साथ ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, तो ये जो है वो शाहजहाँ की बिल्डिंग है। ठीक है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितनी पोटेंशियल जगह। ये देखें जी सामने ये जीटी रोड चल रहा है, तो हम समझ लें कि बाईपास के ऊपर ही हैं। वो जो मैंने आपको पीछे कंटिन्यू करके वीडियो दिखाई है कि हम विद इन सेकेंड यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो ये देखें फ्यूचर है इस प्लेस का।
तो सार साहब हैं, मैनेजर हैं यहाँ पे इस साइड के, तो जैतून वैली के, तो इनसे थोड़ी सी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं ये पूछ के बताता हूँ। एनओसी के मतलब सार साहब थोड़ा सा बताएं। एनओसी इसके लिए वो डॉक्यूमेंट सारी फाइलें जमा हो गई एनओसी के लिए, वो भी इंशाल्लाह जल्दी एनओसी भी इसका जल्दी हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। और इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए आपने कुछ? इलेक्ट्रिफिकेशन तो वो होगी ना, देखिए अभी तो काम चल रहा है सारा डेवलपमेंट का ना। हाँ जी, अभी सीवरेज तकरीबन 50% से ज़्यादा मुकम्मल हो गया है जी। ठीक है, जब सारा सीवरेज मुकम्मल हो जाएगा, रोड मुकम्मल हो जाएंगे, उसके बाद फिर वापडा वाले काम शुरू करते हैं अपना। सही है। तो आप बता रहे थे रकबा, अब ओरिजिनल जो लैंडलॉर्ड हैं उनसे आप परचेज कर चुके हैं? जी जी, ओरिजिनल जमुर सुल्तान साहब हैं, उन्होंने रकबा परचेज करके उनके नाम भी हो गया। अच्छा, रजिस्ट्री हो गई है सारी उनके नाम पे रकबा। अच्छा, सही है, ठीक है। हाँ, इस जगह का कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये जगह फौरी रजिस्ट्री वाली जगह है? हाँ जी, फौरी रजिस्ट्री। जो कैश वाले, जो बंदा कैश पेमेंट करेगा, कैश लॉर्ड लेगा, उसके फौरी रजिस्ट्री। अच्छा, कोई एक्सपेक्टेड टाइम कोई बता सकते हैं कि ये मतलब कि ना भी आप इलेक्ट्रिफिकेशन के काम के लिए कोई एक साल दे रहे हैं, दो साल दे रहे हैं, क्या कस्टमर के लिए? तो कोशिश है जल्दी एज सून एज पॉसिबल ना। अच्छा, जल्दी सारा काम मुकम्मल हो जाए, क्योंकि आपको पता है स्टेप वाइज सारा काम होना है डेवलपमेंट का। जी, पहले सीवरेज है, फिर रोड है, ठीक है ना जी, सारे काम होंगे, उसके बाद फिर वापडा वाले। कटिंग क्या रखी है सर प्लॉट? कटिंग इसकी है जी, मेन जो रोड है इसका 50 फुट रोड है, उस पर 12 मरले की कटिंग है। बाकी जो 30 फुट रोड है उस पर 8 मरले की कटिंग है, 4 मरले 3 मरले। अच्छा जी, तो रेट्स जो हैं वो आगे और पीछे क्या मतलब आप कर रहे हैं? ये तकरीबन 12 एकड़ का प्रोजेक्ट है जी। जी जी, तो बाकी इसमें जो रेट है, जो मेन रोड है उस पर रेट हमने 10 लाख रुपये रखा है। जी, और बाकी जो रेट है सारा अंदर वो है 8 लाख रुपये मरला। 8 लाख रुपये। और कितना ड्यूरेशन है इंस्टॉलमेंट का? इंस्टॉलमेंट का 4 साल का, 25% डाउन पेमेंट है। सोसाइटियां मतलब 4-5 करोड़ आपका थोड़ा सा वो। अच्छा चले, लास्ट पे वो प्रोफाइल का भी थोड़ा बता दें। ऑलरेडी आपके पास एक दो मतलब हैं प्रोजेक्ट, वो काइंडली आप जरा उसको मेंशन करें। हमारा एक प्रोजेक्ट है उधर 93-64 में ख्याबा ने सिर्फ है। जी जी, एक है अपना मेन जीटी रोड पे मैकडोनल्ड के साथ अजवा एवेन्यू। जी जी, एक ये पाक पतन रोड पे अजवा गार्डन्स के नाम से। जी ठीक है, सही है जी। ऐसे रॉयल ऑर्चर्ड प्रोजेक्ट वो भी हमारा ही है। जी जी, अजवा ग्रुप का ही है। जी जी ठीक, रॉयल ऑर्चर्ड के साथ अभी पृथ्वी के साथ उनकी पार्टनरशिप है। तो बाकी पाक पतन में एक टाउन है जलाल गार्डन के नाम से। अच्छा, तो उसके बाद अब ये जैतून वैली मुल्तान रोड पे। चले, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ये तो अब वापसी है। हमने कोशिश की है कि तकरीबन ना कोई सारे ही पॉइंट्स को वहाँ पे डिस्कस किया जाए, और हमने कोशिश भी की है। आप इंशाल्लाह आपने देख ही लिया व्लॉग में कि हमने रेट्स का भी और बाकी जो मामला होते हैं वो सब कुछ। तो जमील भाई, कैसे मतलब कि ना हमने कोशिश की है, तो आप क्या समझते हैं कि ठीक रह गया सारा कुछ? हमने कवर किया जी, कवर तो बड़े अच्छे तरीके से किया। मैं तो ऑलरेडी इस ग्रुप के साथ काम कर रहा हूँ जी। ठीक है, तो बंदे ठीक है, एतमाद वाले हैं, तो मैं तो ऑलरेडी इनके क्रेडिट पे 3-4 टाउन्स पहले भी है ना लोकल साहिवाल के। हाँ जी, तो इस वाले से ये बात अच्छी है, तो सरमाया हाँ, बड़ा सेफ है। हाँ जी, तो इनके पास इन्वेस्टमेंट करने से। अब ये ओरिजिनल लैंडलॉर्ड खुद ही है, ठीक है ना? ये बात है ना, भी इन्होंने परचेज कर लिया। जी बिल्कुल, देखे हम जैसे ही हम ऑफिस से निकलते हैं सामने जीटी रोड आ गया, ये देख लिया आप। बिल्कुल, लोकेशन बहुत अच्छी है, बड़ी मतलब पीस ऑफ माइंड है यहाँ पे रहना। इससे आगे भी प्रोजेक्ट है, जैसे वो सुपर एशिया वगैरह का जो प्रोजेक्ट है, सुपर सिटी, थैंक यू, तो वो देखेंगे यहाँ पे है, तो वहाँ पे अब आगे से यू टर्न से आना है। चलो ठीक है जी, अब हम डिसाइड ये हुआ कि हम इंशाल्लाह इतवार वाले दिन नेक्स्ट संडे जो है हम दोबारा आएंगे यहाँ पे, वो बाकायदा एक ओपनिंग होगी, उसमें हमारे एसोसिएशन के सारे मेम्बरान इंशाल्लाह कोशिश होगी, जितने 70-80-100 के करीब पार्टिसिपेंट जो है ना वो सारे आएंगे, तो फिर बाकायदा वहाँ पे ये एक फंक्शन होगा, तो उसको भी इंशाल्लाह कवर करेंगे, आपके साथ भी डिस्कस करेंगे। चले मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट है, आपके पैसे नहीं लगेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।